हे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन सिद्धार्थ लाइव। और एक और ब्रांच रिव्यू हम लोग लेकर आ गए हैं एनर्जी इंजीनियरिंग का। आज की जो ये ब्रांच है, ये है कॉलेज एनआईटी तिरछी। एनआईटी तिरछी का भी हम लोग ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं और हम लोग जानते हैं ये है नंबर वन एनआईटी जो देता है पीजी प्लेसमेंट पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पर क्या कवर करेंगे, हम ब्रांच रिव्यू से रिलेटेड ऑल डाउट्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और आप लोगों को बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम और एफबी पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले, जो लोग गेट की तैयारी में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अनअकैडमी लाया है रैंक इंप्रूवमेंट बैच। बैच का नाम है बैच ए, बाइलिंगुअल, मतलब दोनों लैंग्वेजेस में हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। यहाँ पर लेने वाले हैं पहली क्लास कास्टिंग की राजीव सिंह सर, जो होगी 10:30 बजे से। इसके साथ साथ शाम को 6 बजे लेंगे आदित्य गुप्ता सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बाकी काफी अच्छी फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ाने वाली है। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 13 अक्टूबर से। इसके साथ साथ बता दो, अनअकैडमी लेकर आया है गेट ईएससी मेगा कॉम्बैट, जो होने वाला है 17 अक्टूबर 11 बजे। यहाँ पर 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप है, 5 ब्रांचेस के लिए होने वाला है। इसके साथ साथ 20 क्वेश्चन में 60 मिनट में 20 क्वेश्चन अचीव करो और 100% डिस्काउंट तक आप ले सकते हो। एनरोलमेंट इसका फ्री है। और इसके साथ साथ बता दो, एक ऑफर अलर्ट है कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिलने वाला है। आप अगर पे करते हो 29,000 तो आपको 43,000 रुपए की वैल्यूएशन का आपको सिर्फ 29,000 में मिल जाएगा। करीब करीब 14,000 रुपए बचा लोगे। तो तुरंत सब्सक्राइब करो और यूज करो मेरा कोड SID SID 12334 और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट का लाभ उठाएं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर इस ब्रांच एनर्जी इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जो मोड होता है वो क्या है। जैसे कि IITs में एडमिशन लेने के लिए सेपरेट फॉर्म होता है, उसके बाद कोप की काउंसलिंग होती है, पर यहाँ पर जो मोड है वो CCMT है, जहां जिससे पूरे NITs भरे जाते हैं। इसके बाद हम लोग डिग्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो डिग्री है वो है MTech और PhD। यहाँ पर किसी भी तरीके का MS नहीं होता है। CGPA के लिए बात करें तो आपको बता दूं, यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 6.5 CGPA या 60% का है। हर NIT में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम आपका 6.5 CGPA होना ही चाहिए मास्टर्स में, या फिर 60% हो। ये जो डिपार्टमेंट है, ये लगता है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट के अंदर एनर्जी इंजीनियरिंग ब्रांच। तो डिपार्टमेंट का नाम हो गया एनर्जी एंड एनवायरमेंट। ब्रांच कौन कौन सी ब्रांच इसमें एडमिशन ले सकती हैं, तो मैं बता दूं, यहां पर मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और बायोटेक, ये 4 ब्रांचेस हैं जो एनर्जी इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर आ सकती हैं, जिसमें ओवरऑल करीब 50% बच्चे मैकेनिकल ब्रांच से होते हैं। कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ जो होता है वो वेरी करता है, बट मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हिसाब से बताऊं तो मिनिमम कट ऑफ यहां पर 620 गया था स्पॉट राउंड 3 में, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे केमिकल के लिए जो कट ऑफ है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए कट ऑफ है, ये G1, G2, G3 कोड पर डिपेंड करते हैं। G1, G2, G3 क्या होता है, इसका इसके लिए भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो हमारा देख सकते हो, हमने आई बटन में लिंक ऑलरेडी दे दी है। क्लास स्ट्रेंथ की यहाँ पर बात करते हैं तो क्लास स्ट्रेंथ यहाँ पर है 24 की, जिसमें अराउंड मैकेनिकल में 12 से 13, इलेक्ट्रिकल में 6 से 7, केमिकल में 2 से 3 और बायोटेक में 1 से 2 बच्चे एडमिशन लेते हैं। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस में ऑनलाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अभी ऑफलाइन क्लासेस में आपको मॉर्निंग में 10:30 से पहले अटेंडेंस लगाने जाना पड़ता है, जो कि वहां पर एक रजिस्टर होता है, वहां पर साइन करना होता है। ब्रांच का पर्पस क्या है, एम क्या है इस ब्रांच का, इस ब्रांच का एम है हमें सेव करना है एनवायरमेंट को, हमें एनर्जी एफिशिएंसी इक्विपमेंट्स बनाने हैं, हमें रिन्यूएबल सेक्टर को आगे बढ़ाना है। इस ब्रांच का मेन यूज यहां पर यही है। इसके बाद लोड और प्रेशर की बात करें तो लोड इतना ज्यादा नहीं रहता है, मॉडरेट रहता है, बट मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेम आपका बहुत चिल रहेगा, बट सेकेंड सेम में आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा लोड आ जाएगा। और सेकेंड सेम में आपको पता है ऑलरेडी गेट का पेपर बहुत सारे लोगों का होता है, तो आप इस चीज को कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पर सेकंड सेम में थोड़ा सा लोड रहता है, मिनी प्रोजेक्ट वगैरह करना पड़ता है। बाद हम लोग एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में 6-6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम होने वाले हैं वो ओपन बुक होते हैं, क्लोज बुक होते हैं। इसके साथ साथ जो MCQ क्वेश्चन होते हैं वो क्लास मार्कर करके एक ऐप होती है उस पर होते हैं, और जो क्लासेस वगैरह हैं वो MS Teams पर लगती हैं। अभी के लिए ऑफलाइन होने के बाद कंप्लीटली ये क्लासेस
आपके डिपार्टमेंट में लगने लगेंगी। असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट आप ये समझ के रखिए कि आपको पूरे सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट के करीब 2 से 3 असाइनमेंट मिलेंगे, मतलब टोटल 18 असाइनमेंट आपको यहाँ पर मिलने वाले। इंटर्नशिप्स की बात करें तो यहाँ पर सेकेंड सेम के बाद एक इंटर्नशिप करना कंपलसरी है, या तो आप पेड इंटर्नशिप करिए या तो फ्री इंटर्नशिप करिए, तो यहाँ से आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो इंटर्नशिप की रिपोर्ट है वो आपको कॉलेज में सबमिट करनी पड़ती है और उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। टीचर्स की बात करें तो टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा चिल हैं और बच्चों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लैब्स की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लैब्स बहुत अच्छी है, बट जो आपको गाइड होता है वो PhD होता है, तो PhD के अंडर में ही आपको यहाँ पर MTech में प्रोजेक्ट करना पड़ता है। मतलब प्रोफेसर तो गाइड होंगे ही, बट लैब में इक्विपमेंट्स आप PhD की हेल्प से ही यूज़ कर सकते हो। प्लेसमेंट्स की बात करें तो जो मोस्ट ऑफ देम बच्चे हैं यहाँ पर प्लेस्ड हो जाते हैं। लास्ट ईयर भी सिर्फ एक बच्चा प्लेस नहीं हो पाया था, लेकिन उसे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिल गया था, बाकी सारे बच्चे प्लेस हो गए थे। हाफ ऑफ द बच्चे कोर में प्लेस हो जाते हैं और हाफ ऑफ द बच्चे डिफरेंट टाइप की नॉन कोर बैंक्स वगैरह हो गए या डेटा साइंस की कंपनीज हो गई, वहां पर प्लेस हो जाते हैं। कंपैरिजन बता दूं तो आप लोग एनर्जी को वेल्डिंग से नीचे कर सकते हो, बट MSc और IIM से ऊपर प्रेफरेंस दे सकते हो अगर आप मैकेनिकल के हो, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो आप इसे वन ऑफ द लोएस्ट प्रेफरेंस में रख सकते हो आफ्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, VLSI इनके बाद। एवरेज प्लेसमेंट पैकेज की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 से 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज रहने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दिया है ये पूरा रिव्यू। इसके साथ साथ बस इतना बताना चाहूँगा कि NIT त्रिची बेस्ट है प्लेसमेंट्स के लिए, तो आप प्लेसमेंट्स को लेकर इतना ज़्यादा यहाँ पर बेफिक्र होकर आइएगा, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी ब्रांच प्रेफर करिए, आपका प्लेसमेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। आज का वीडियो इतना ही था, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हमारे जो ब्लॉग्स आ रहे हैं उनको देखिए। हम लोग जो डेटा साइंस के लिए ला रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, आप उनका इंजॉय करिए। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए सिद्धार्थ लाइव सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। नमस्कार।